Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today we are going to read last part of the lesson, that is pastoralism in modern world. So today we are going to discuss about pastoralism in South Africa. तो अगर हम अफ्रीका की बात करें, 50% ऑफ टोटल पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, 50% ऑफ टोटल पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन साउथ अफ्रीका. इन साउथ अफ्रीका सो मेनी पेस्टोरल कम्युनिटीज लिव्स, जस्ट लाइक सोमाली, मासाई, बोरान, तुर्काना एट्सेट्रा, ठीक है. सोमाली, मासाई, बोरान, तुर्काना एट्सेट्रा, एंड दीज कम्युनिटीज कीप कैटल, शीप, गोट, कैमल्स एट्सेट्रा विद देमसेल्व्स, ठीक है. तो अगेन आई एम हियर रिपीटिंग इज दैट 50% ऑफ द वर्ल्ड पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन साउथ अफ्रीका. इन साउथ अफ्रीका सो मेनी पेस्टोरियल कम्युनिटीज लिव्स, जस्ट लाइक सोमाली, मासाई, बोरान, तुर्कान एट्सेट्रा, एंड दीज कम्युनिटीज कीप कैटल, शीप, गोट, कैमल्स एट्सेट्रा विद देमसेल्व्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज लिव्स इन, और वी कैन से मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज आर फाउंड इन सेमी एरिड grasslands, semi-arid grasslands and arid deserts. Okay, most of these communities are found in semi-arid grasslands and arid deserts. Apart from pastoralism, these communities were doing some income generating activities. तो pastoralism को छोड़कर ये लोग कुछ activities भी कर रहे थे in order to earn some amount of money, ठीक है. तो ये जो लोग थे, apart from pastoralism, these communities were doing some income generating activities. But due to colonial rule, their life also got affected. Due to colonial rule, their life got affected. तो जिस तरह इंडिया में हुआ, इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी हुआ. तो इंडिया में भी कुछ चेंजेस आई आफ्टर कॉलोनियल रूल, एंड सेम हैपनेड इन साउथ अफ्रीका, दैट ड्यू टू कॉलोनियल रूल देयर लाइफ गॉट अफेक्टेड. लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस. तो कुछ चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी ऑफ पेस्टोरियलिस्ट इन साउथ अफ्रीका, दैट इज मासाई. ओके, मासाई. ये जो मासाई हैं, दे वायर कैटल हर्ड्स. बिफोर कॉलोनियल रूल, मासाई लैंड वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ केनिया से लेके टू नॉर्दर्न तंजानिया. ओके, बिफोर कॉलोनियल रूल. बिफोर कॉलोनियल रूल, मासाई लैंड वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टू नॉर्दर्न तंजानिया. बट आफ्टर कॉलोनियल रूल, आफ्टर कॉलोनियल रूल मासाई लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया. ओके, आफ्टर कॉलोनियल रूल, मासाई लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वॉज चेंजेड टू वाइल्ड सेटलमेंट. बेस्ट ग्रेजिंग लैंड, जो बेस्ट थी, सबसे अच्छी लैंड थी, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वॉज चेंजेड टू वाइल्ड सेटलमेंट. ओके, वाइल्ड सेटलमेंट. ओके, वाइट्स
ओके, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वाज चेंज्ड टू व्हाइट सेटलमेंट। मासाई कम्युनिटी, ये जो मासाई नंबर टू चेंज जो थी टू पार्ट्स में, मैंने बोला मासाई कम्युनिटी वाज फोर्स्ड, मासाई कम्युनिटी वाज फोर्स्ड टू लिव इन ए स्मॉल एरिया, टू लिव इन ए स्मॉल एरिया, टू लिव इन ए स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ विथ दिस मासाई लास्ट इट 60%। तो इसकी वजह से जो मासाई की लैंड थी विथ दिस मासाई लास्ट इट इज 60%। ओके, लास्ट इट इज 60% ऑफ द ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी, ओके लेट 19th सेंचुरी, अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटिशर्स एनकरेज्ड द पीजेंट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ओके, ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने एनकरेज किया पीजेंट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, एंड सेम हैपनड इन इंडिया एज दैट ऑफ अफ्रीका। तो जिस तरह इंडिया अफ्रीका में हुआ, सेम हैपनड इन इंडिया। ऑल ग्रेजिंग, नंबर वन पॉइंट इज दैट, मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं, ऑल ग्रेजिंग लैंड वॉज चेंज्ड टू कल्टिवेटेड फार्म्स। नंबर वन चेंज दैट ऑकर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल इज दैट ऑल ग्रेजिंग लैंड वॉज चेंज्ड टू कल्टिवेटेड फार्म्स, वॉज चेंज्ड टू कल्टिवेटेड फार्म्स। ओके, कल्टिवेटेड फार्म्स। नंबर टू पॉइंट इज दैट मूवमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड। ओके, मूवमेंट वॉज रेस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट वॉज रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। ये जो कम्युनिटी थी उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, मूवमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव इन ए फिक्स्ड एरियाज कॉल्ड स्पेशल रिजर्व्स। इनका नाम रखा गया स्पेशल रिजर्व्स। दे वर फोर्स्ड टू लिव इन ए फिक्स्ड प्लेसेस कॉल्ड स्पेशल रिजर्व्स। ओके, स्पेशल रिजर्व्स, स्पेशल रिजर्व्स। द बाउंड्री वॉज लिमिटेड, दे वर नॉट अलाउड टू मूव टू अदर प्लेसेस विदाउट परमिट। तो बगैर इजाजत के इनको दूसरी जगह पे जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, देयर मूवमेंट वॉज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव इन ए फिक्स्ड एरियाज कॉल्ड स्पेशल रिजर्व्स एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव टू अदर प्लेसेस विदाउट परमिट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।